दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईक्यू मोबाइल के बारे में। देखिए दोस्तों, ये आईक्यू का मोबाइल है, आपको दिख रहा होगा, ब्रांडिंग भी दिख रहा होगा। तो ये मोबाइल जो है डेड है, ना ये चार्ज हो रहा है ना ये ऑन हो रहा है। अगर आपके पास कोई भी आईक्यू मोबाइल है और वो मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, चलते चलते बंद हो गया, या तो कोई भी कारण के चलते आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एकदम स्किप मत करना, पूरा देखना वीडियो को, तभी जाके आपको भी समझ में आएगा। और अगर आपके पास कोई भी आईक्यू का मोबाइल है तो आप उसको घर में कैसे ऑन कर सकते हो, वो तरीका भी आपको पता चल जाएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी आईक्यू का मोबाइल है, ए टू जेड कोई भी मॉडल हो, देखिए जैसे कि ये एक मॉडल है, अगर आपके पास ये मॉडल के बगैर दूसरा भी कोई मॉडल है और चलते चलते मोबाइल बंद हो चुका है, पहला स्टेप आपको क्या करना है, देखिए वॉल्यूम प्लस माइनस और पावर बटन दिख रहा होगा, तो आपको तीनों बटन को ऐसे एक साथ तीनों बटन के ऊपर हाथ रखना है ऐसे, और एक साथ आपको तीनों बटन को ऐसे दबा के रखना है 10 से 15 सेकेंड। आपका मोबाइल देखना रीबूट होगा या एक बार वाइब्रेशन होगा और आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा, ये पहला ट्रिक होता है। अगर उसके बाद भी आपका मोबाइल ऑन नहीं होता है या तो आपका मोबाइल में कुछ काम नहीं करता है, तो आप इसको लेके किसी अच्छा रिपेयरिंग शॉप जाओ। और अगर पहले मैं बता देता हूं, अगर आपका वारंटी पीरियड है तो आप सर्विस सेंटर ही लेके जाना, किसी भी रिपेयरिंग शॉप नहीं लेके जाना, खाली बिल लेके जाना। वारंटी पीरियड है तो सर्विस सेंटर चल जाना, आपका मोबाइल फ्री में बन जाएगा। लेकिन अगर आपका वारंटी पीरियड खत्म हो चुका है तो आप एक काम करना, इस मोबाइल को किसी अच्छा रिपेयरिंग शॉप में लेके पहले सॉफ्टवेयर कराना। सॉफ्टवेयर में ठीक हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तब जाके हार्डवेयर जाके देखना, मतलब कोई अच्छा रिपेयरिंग सबको बताना, वो देख लेगा उसमें हार्डवेयर का क्या प्रॉब्लम है। लेकिन पहले जो ट्रिक बताया वो ट्रिक अपनाना, आपका मोबाइल 100% ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।